नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए मतलब कितना हुआ, 7, 8, 9 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ और स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इनसाइड द वार NR4 NR7 ये सब दिखाता हूँ, तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका जो बाई सेल लेवल का स्किनर मैंने कैसे क्या इसमें क्या क्या है और कैसे इसको क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, ये आप लोग सब वीडियोज भी आप लोग देख लीजिए। इसका आप लोग को मैं यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका सब वीडियो का लिंक आप लोग को भी मिल जाएगा, तो आप लोग को सुविधा होगा कि ये फाइल इस्तेमाल करके आप लोग कैसे इसका बेनिफिट ले सकता है, कैसे प्रॉफिट आसानी से कमा सकता है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसका डाउनलोड का लिंक, डाउनलोड सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, तो उससे आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू एंजल बुकिंग और स्टॉक्स में जानो होना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आसानी से आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने इधर चार्ट ओपन किया हूँ, आज ये 10,989 में क्लोजिंग दिया है और 11,035 तक अप किया था और 10,827 तक नीचे आया था। तो आप लोग जानते हैं थोड़ा ग्लोबल इशू के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से थोड़ा सा मतलब निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेंड नीचे आ रहा है और ऐसे भी इसको नीचे आना चाहिए, आना ही था। तो क्योंकि इसका पी रेशियो और पी वी रेशियो जो बहुत ही बढ़ गया था, तो इसीलिए इसको नीचे आना ही चाहिए था, कुछ करेक्शन का इसका होना ही था। तो तब भी कुछ ग्लोबल इशू इसको और भी एक्सीलरेट किया है इसको, तो देखते हैं। तो ये अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न, लास्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बुलिश हैमर या पॉजिटिव हैमर कुछ भी बोल सकता है, ये एक बुलिश हैमर पॉजिटिव हैमर बना है और डाउन ट्रेंड में जब एक पॉजिटिव हैमर बनाता है तो इसका कुछ पॉजिटिव साइन है। तो ये इधर बुलसर बुलसर कमिंग इन टू प्ले एंड ओवर पावरिंग द बियर्स। तो इधर से ये लास्ट में देखिए इधर नीचे इतना आया था, उसके बाद इसको पुशअप करके इसीलिए इतना बड़ा वीक बना है, इसका टेल बना है और उधर ऊपर से थोड़ा सा वीक छोटा है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम है और अल्टीमेटली बुलिश, ये जो बुलिश कैंडल बना है ये ग्रीन कैंडल बना है। तो इसीलिए इधर से पॉजिटिव हैमर थोड़ा सा लगता है कि ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लगता है थोड़ा सा इसको ले जाएगा निफ्टी को, पॉजिटिव लगता है थोड़ा सा। और इधर अब ट्रेंड तो अभी तक बहुत ही डाउन में है, आप लोग भी देख सकते हैं कुछ कोई भी इंडिकेटर लगाइए और वीकली चार्ट में। तो इधर देखिए इधर भी डाउन ट्रेंड में अभी भी तक चल रहा है, इधर ये सब प्रोजेक्शन देखे और ट्रेंड लाइन देख के आप लोग को भी पता चलता है कि इधर डाउन ट्रेंड में है। तो मैंने अभी सब मतलब गिरावट आए हैं बहुत ही नीचे गिरा बुल्स बियर्स, तो इधर फर्स्ट रेजिस्टेंस इधर बना है 57,000, उसके बाद वो आ सकता है 26,947, उसके बाद 26,915, इसके यही तक ये फिलहाल आ सकता है, उसके बाद फिर गिर सकता है 26,785, इसके बाद 26,638 इतना तक भी आता है। और इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 27,923 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये आज क्रॉस किया था लेकिन फिर से नीचे आकर क्लोजिंग दिया। तो इसके बाद 27,980, उसके बाद 27,171,
28,229 इसके बाद गुड सर का लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट को नीचे जाने का टेंडेंसी दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.64 है, पीसीआर रेशियो जो है 0.64 है। इधर 28,500 में रेजिस्टेंस बना है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और पुट साइड में 27,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इधर सपोर्ट बना है। और इधर चेंजिंग हो रहा है, इधर इतना हेवी शॉर्ट शॉर्टिंग हो रहा है तो मेरा लगता है ज़रूर कुछ मतलब शॉर्ट कवरिंग आने का चांस है। प्रोबेबिलिटी इसका देखूंगा तो प्रोबेबिलिटी का देखता है, प्रोबेबिलिटी जो देखूंगा तो इसका 10,900 में इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, 10,900 के आसपास मतलब ट्रेंड नीचे दिख रहा है। और इधर भी 17,500 में ट्रेंड नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि इधर 10,800 जब कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है और इसका बढ़ जाता है, तो मतलब 10,900 के ज़्यादा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। इधर जब 10,900 का या 10,850 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि देखिए इधर ऑलमोस्ट बैलेंस हो रहा है। और इधर 27,500 का तो नीचे जा रहा है, लेकिन 27,300 कर दूंगा तो इसका भी लेवल बराबर हो जाता है, इसका लेवल क्रूशियल रहेगा। इधर जो मैंने नोट करता है ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग नोट कर सकते हैं, तो ये मान के 3-4 सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मान के चलेंगे तो आप लोग को काम करने के लिए सुविधा हो जाएगा। और जो एक और भी एक लेवल दिखाऊंगा आप लोगों को, कैलकुलेशन हो गया इसका। और लोग देख सकता है, ये भी नोट कर सकता है, लेवल का वैल्यू मिट्टी का जो इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इतना नोट करने का आप लोग मतलब इसमें कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि आप लोग देखिए इतना सारा जब करेंगे तो जो सबसे दूर का वाला जो रेजिस्टेंस है वो आप लोग पकड़ देंगे तो अच्छा मूवमेंट रहेगा, कोई नहीं तो आप लोग कोई भी एक मंथ इसका चल सकता है, कोई कुछ कोई भी अच्छा काम करता है। और सबसे सबसे नीचे वाला जो सपोर्ट है उसको मान के चलेंगे तो आप लोग को भी अच्छा होगा। तो इधर देखिए बैंक निफ्टी का निफ्टी का ना प्रोबेबिलिटी और जो लेवल्स जो दिखा वो भी दिखा दिया, और 22 लेवल जो आप दिखाऊंगा और भी एक सेट आप लोग को लेवल दिखा दूंगा। तो अभी तब तक के लिए धन्यवाद। और इधर आप लोग को मेरे ऑप्शन में भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 11,200 का मैं जो देखिए इधर से कॉल इम्पैक्ट वोलेटिलिटी आप लोग ले सकता है। इधर सोच लीजिए आप लोग निफ्टी का जो है निफ्टी का जो ये जो आप लोग जो वेबसाइट मिलेगा इससे 100 गुना ज़्यादा काम अच्छा काम करता है। सोच लीजिए 11,200 में इसका कॉल का प्राइस है और कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इधर देखिए मैंने 7 दिन का हिसाब से ये टाइम टू एक्सपायरी 7 डेज इसका 27,200 में इसका जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है 19.81। इधर आप लोग जो देखेंगे 19.81 जब बैठा होगा और सोच लीजिए प्राइस जब बिकाऊंगा 10,990 तो इसका देखिए कॉल का वैल्यू ये निकल के आ रहा है 47 और पुट का वैल्यू निकल के आएगा। पुट का देखने के लिए पुट का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बैठने को बाद में दिखाता हूँ। इधर कितना दिखा रहा है 39 दिखा रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू है।